कटना चाहिए, रुकिए ना, सुनो सुनो सुनो, आपका कैमरा नीचे रखो, हम यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, अगर आप ऐसे करेंगे ना, नीचे रखो, विकी कौशल को कहीं पर भी देखा जाता है वहाँ पर कैटरीना कैफ का होना उतना ही जरूरी है जितना कि एक वाइफी और एक हस्बैंड का पास पास होना। आपको बताते चले कैटरीना कैफ विकी कौशल के बारे में, तो इस टाइम पर कैटरीना कैफ विकी कौशल को इकट्ठे शूटिंग करते हुए देखा गया, लेकिन विकी कौशल जहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड है अपनी वाइफी कैटरीना कैफ के साथ शूटिंग करने के लिए, वहीं पर कैटरीना कैफ इनके बाद आते हुए दिखाई दिए। आपको मुकम्मल वीडियो इनके साथ भी दिखाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करते जाएं। आपको बताते चलें कैटरीना के विकी कौशल के बारे में, तो ये फर्स्ट टाइम एवर है कि दोनों को शूटिंग की लोकेशन पर इकट्ठा देखा गया और दोनों ही किसी वेब सीरीज के लिए इकट्ठे पहली दफा साइन कर चुके हैं, वेब सीरीज को इकट्ठा करने के लिए या कोई एडवर्टाइजमेंट हो, लेकिन फैंस इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है। जबकि विकी कौशल कैसे हो सकते हैं कि ओवर एक्साइटेड ना हो, क्योंकि उनकी वाइफ ही कैटरीना कैफ इस टाइम पर फर्स्ट टाइम एवर उनकी शूटिंग लोकेशन पर इनके पास होंगी। अक्सर ही सेलिब्रिटीज के यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई सेलिब्रिटीज की आपस में शादी होती है, इवन इनकी भी जब शादी हुई तो इन्होंने बहुत जल्दी अपने काम को, अपनी हर चीज को रिज्यूम कर दिया था। और फैंस का कहना है कि सारी चीजों को रिज्यूम तो कर दिया जाता है, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, हम ज्यादा टाइम तक दूसरे पर नहीं गुजार पाते, लेकिन जितना टाइम थोड़ा सा भी हमें शूटिंग के दरमियान में अपने घर में गुजारने को मिलता है, हम उसको बहुत ज्यादा क्वालिटी वाला बना लेते हैं, बहुत ज्यादा यादगार बना देते हैं। यही बात है कैटरीना कैफ विकी कौशल का टाइम शूटिंग के लिए इकट्ठा ही दिखाई देता है, और फैंस इसके लिए एक नई वेब सीरीज के लिए बहुत ज्यादा उतावले भी हैं और बहुत सारा ओवर एक्साइटेड भी हैं। व्यूअर्स, आपको कैटरीना कैफ विकी कौशल की जोड़ी कैसे लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।